بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम आपका अपने इस प्रोग्राम मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ और माह रमज़ान में खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि माह रमज़ान के बहुत से उन्वान और मौज़ू हो सकते हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जानी चाहिए, लेकिन उन तमामी मौजूआत में सबसे अहम मौजू माह रमज़ान में ख़ास करके अपने ज़माने के इमाम की मारिफत है। चूँकि ख़ास रब्त है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का माह रमज़ान से, या ये कहा जाए कि माह रमज़ान का इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से। यूँ तो सारी ही चीज़ कायनात की इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुर्तबित है, इसलिए जो भी चीज़ इनसे मुनसलिक और मुर्तबित न हो उसको सिवाय फ़ना के कुछ और नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मुर्तबित होना पड़ेगा, यही ज़रूरी है सारी चीज़ों के लिए। लेकिन इन तमामी चीज़ों में एक ख़ास इम्तियाज़ है माह रमज़ान को, जिसमें शुरू की गुफ्तगू में अर्ज़ किया गया कि इंसान का सोना भी इबादत करार दे दिया, इंसान की सांसों को भी तस्बीह करार दे दिया। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने ज़माने के इमाम के साथ हों, और इसी सबब से हमारी सांसें तस्बीह बन गईं और हमारी नींद और हमारा सोना इबादत बन गया। नहीं तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो इंसान जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की वलायत का, उनकी इमामत का मुनकिर है, उसका भी सोना इबादत है और उसकी भी सांसें तस्बीह हैं। ना फ़कत उसकी है तस्बीह जो परवरदगार को जानता हो, और परवरदगार आलम को बस वही जानता है जो अपने ज़माने के इमाम को जानता हो। नज़रियात इसके अलावा भी हैं और बहुत ज़्यादा नज़रियात हैं, लेकिन उन तमामी नज़रियात में ये अहम नज़रिया जो कि मुहकम दलीलों के साथ, मुहकम रिवायात के साथ और मुहकम कुरान मजीद की आयात के साथ, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मुहकम और ऑथेंटिक रिवायात से साबित है, वो यही है कि
सिवाय 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के परवरदिगार आलम को पहचानना नामुमकिन है। यानी हमें इनको जानना होगा, हमें इनको पहचानना होगा, और अगर हम इनको पहचानते हैं तब तो हम अपने ज़माने के इमाम को पहचानते हैं, और नहीं ज़माने के इमाम को अगर पहचानते हैं तब तो हम खुदा को जानते हैं। लेकिन अगर हम अपने ज़माने के इमाम को नहीं जानते तो हम खुदा को नहीं पहचानते। ये बिल्कुल दो दो चार जैसी बात है जिसके लिए इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मारिफत, उनकी वलायत फितरी चीज़ है, इंसान के फितरत में पाई जाती है। हाँ ये ज़रूर है कि इंसान के ऊपर जो गुबार है, इंसान के जो मवाने और रुकावटें हैं, जो दरमियान में चीज़ें हायल हैं, ये इंसान की जिम्मेदारी है कि इंसान उस गुबार को साफ कर ले, और इतना साफ कर ले कि उसको अपने वजूद में तौहीद नज़र आने लगे, उसको अपने वजूद में इमाम नज़र आने लगे, उसको अपने वजूद में वलायत मिलने लगे। इसी वजह से ये हदीसें हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़कद अरफ़ रब्बा, अगर किसी ने अपने नफ्स को पहचान लिया तो उसने अपने रब को पहचान लिया। तो वो नफ्स नफ्स ही नहीं है कि जो खुदा को ना पहचाने, चूँकि इस नफ्स के ज़रिए से हमें खुदा को पहचानना है। तो परवरदगार आलम की मारिफत, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मारिफत एक फितरी अम्र है। बस हमें क्या करना है, गुबार को साफ करना है, हमें रुकावटों को ख़त्म करना है, हमें अपने नज़दीक से जिसे हम ये कह सकते हैं अपनी ज़बान में कि वायरस जो है उसे ख़त्म करना है। हम जितना साफ करते जाएंगे आईने को, उतना ज़्यादा वलायत इमामत और जिसके नतीजे में तौहीद साफ़ होती जाएगी, वाज़े से वाज़े तर होती जाएगी। तो बहरहाल ये सारी गुफ्तगू हुई कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से एक ख़ास तरीक़े से माह रमज़ान मुर्तबित है। माह रमज़ान की मुतअद्दिद दुआओं में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़िक्र है, और इन दुआओं में से एक बहुत ही अहम दुआ है जिस दुआ का नाम है दुआए इफ्तिताह। और इस दुआ को सैयद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने किताब इकबालुल आमाल में जनाब अबू कुर्रा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नक़ल किया है, और आपने जनाब मोहम्मद इब्ने उस्मान रज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत सुग़रा के सफ़ीर हैं, आपने नक़ल की है इस दुआ को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से। ये अजीम दुआ, दुआ इफ्तिताह, के इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इंसान ज़रूर इस दुआ को पढ़े माह रमज़ान की रातों में। और बहरहाल अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, या ये कि अगर हम सिर्फ अरबी पढ़ रहे हैं और अरबी तो हमारे समझ में नहीं आती, तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि हम तर्जुमे को पढ़ लें? तो इसका जो जवाब है इख्तसार के साथ, ना, इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर अरबी हमें नहीं आती तो हम अरबी के बजाय उर्दू पढ़ लें। हाँ ये ज़रूर है कि जब इंसान दुआ को पढ़ रहा हो तो समझ रहा हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम किससे मुखातिब हैं, हमारा मुखातब कौन है, हम बात किससे कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं अपनी इस दुआ में, क्या राज है, क्या मुनाजात है, ये सब खबर होनी चाहिए। दोनों चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती कि हम ये कहें कि तर्जुमा पढ़ लें या इमाम के जुमले जो अरबी के हैं वो पढ़ लें। क्यों? चूँकि देखिए वाज़े सा फ़र्क है कि जो जुमले इमाम के हैं, जो रिवायत इमाम की है, जब इमाम की हदीस को बयान किया जाएगा, इमाम के जो जुमले हैं उसे कोट किया जाएगा, तो उसका एक असर है। चूँकि इमाम का जो जुमला है, इमाम का जो कौल है, जैसा कि इमाम मोहम्मद इमाम अली नकी अलैहि सलातो वस्सलाम ने ज़ियारत जामे कबीरा में इरशाद फरमाया, कलामुकुम नूर, के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातो वस्सलाम आपका कलाम नूर है। तो बस अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कलाम ही नूर है फ़कत। बाकी हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, किसी और ज़बान में हो रहा है, तो हमारा कलाम है, वो हमारे अल्फाज हैं,
वो इमाम के अल्फाज नहीं है। और तर्जुमा करने भी अक्सर ये होता है कि अगर आप 10 तरह के लोगों के तर्जुमे को देखें तो शायद 10 तरह के तर्जुमे नज़र आएंगे। और तर्जुमे में एक सबसे बड़ा मसला भी यही होता है कि तर्जुमे के लिए किसी भी ज़बान का तर्जुमा, उसके लिए फ़कत उस ज़बान का आना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ज़बान के नशेब व फराज से आगाह हो, उस ज़बान की बारीकियों को जानता हो, उस ज़बान के फरहंग कल्चर उसकी सकाफत से आशना हो, और जिस इल्म का तर्जुमा कर रहा है उस इल्म में भी जितनी महारत होगी उतना अच्छा तर्जुमा करेगा। और अगर इंसान किसी दूसरे फील्ड का है, मसलन कोई मौलाना है, और किसी मौलाना ने इंग्लिश सीख ली हो और फिर वो ये सोचे कि वो साइंस का तर्जुमा करने लगे, दुनियावी किसी उलूम का तर्जुमा कर ले जिसे उसने खुद हासिल ना किया हो, तो फ़कत इंग्लिश सीख करके उसका तर्जुमा नहीं कर सकता दकीक। वैसे ही यही चीज़ बेआईने ही हमारे मोमिनीन और आवाम के लिए भी है कि ऐसा कतअन नहीं है कि अगर किसी इंसान ने अरबी ज़बान को सीख लिया हो, और ये हमारी सिन्फ के लिए भी है, मेरे जैसे तालिब इल्म, बल्कि हम ख़ुद को तालिब इल्म भी नहीं कह सकते, उससे कहीं ज़्यादा कमतर और अदना है, उनके लिए भी ये चीज़ अहम है कि इसके ऊपर तवज्जो रखें कि अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का कलाम या परवरदगार आलम का कलाम, कलाम मजीद, उसके तर्जुमे के लिए फ़कत अरबी आना शर्त नहीं है। फ़कत नहो, सर्फ, बलागत, फसाहत, ये जितने उलूम हैं वज़ा किए हुए इंसान के, फ़कत इनका आना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको ज़बान क़ुरान से आशना होना पड़ेगा, उसको अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की गुफ्तार से वाकिफ़ होना पड़ेगा। अगर उसके पास अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मारिफत नहीं है, उसके पास अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की रिवायात जितनी भी मौजूद हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनके ऊपर उसकी नज़र नहीं है, इहाता नहीं है, उसके इल्म में नहीं है, तो ये आप यकीन मान करके चलिए कि वो कुरान मजीद का भी दुरुस्त तर्जुमा नहीं कर सकता, अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात को भी सही तरीके से नहीं समझा सकता। तो फ़कत अरबी आना शर्त नहीं है। तो ये इस सिन्फ के लिए भी है जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, या मेरे जैसे अदना से तालिब इल्म है उनके लिए भी है, या वो लोग जिनका ताल्लुक इस इल्म दीन से ज़ाहिरा नहीं है कि वो मदरसे में गए हों, वो आलिम दीन हों, तालिब इल्म हों, मगर उन्होंने कहीं से अरबी को सीख लिया हो और फिर ये काम शुरू कर दिया कि अरबी सीखने के बाद उन्होंने तर्जुमा करना शुरू कर दिया हो, तो ये इंसान को यकीन रखना चाहिए और आप यकीन इसको मान करके चलें और ये तय कर लें कि वो जो भी तर्जुमा करेगा तकरीबन 80 से 90% उसका तर्जुमा गलत होगा। हाँ सही है कि वो लफ्ज़ के नीचे माना रख सकता है ज़बान सीख करके, लेकिन उस लफ्ज़ से मासूमीन अलैहिस्सलाम की मुराद क्या है, उस आयत में जो वर्ड है, लफ्ज़ है, उससे परवरदगार की मुराद क्या है, वो किसी लैंग्वेज को सीख करके तय नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता तो हमसे ज़्यादा जो दूसरे फ़िरके मौजूद हैं उन्होंने इन उलूम के ऊपर काम किया है, वो इसी से मशहूर हैं। अगर ये ना भी कहा जाए कि हमसे ज़्यादा, वो उसी से मशहूर हैं, उनकी किताबें मशहूर हैं, और फिर उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर की, तो हम ज़मीन व आसमान का फ़र्क पाते हैं कि परवरदगार कुछ और कहना चाहता है और इंसान परवरदगार आलम की मुराद कुछ और बयान कर रहा है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही अहम चीज़ थी जिसे आपके सामने अर्ज़ किया गया कि हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब भी हम तर्जुमा करें तो उसके सकाफ़त से, नशेब व फराज से, और जिस फील्ड का तर्जुमा कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट और मौजू का तर्जुमा कर रहे हैं, जिस इल्म का तर्जुमा कर रहे हैं, उस इल्म से भी आगही होनी चाहिए, उसका भी हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो सही तर्जुमा नहीं होगा। अक्सर ये होगा और ज़्यादातर मुमकिन यही है कि उसके जो तर्जुमे हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा गलत हो। तो ये दुआ, अजीम दुआ जिसे हम दुआए इफ्तिताह कहते हैं, ये सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रोजे शरीफ से मरवी है, नाहिये मुक़द्दसा से सादिर हुई है ये दुआ, अजीम दुआ। और इस दुआ के तीन हिस्से हैं, और जैसा कि हम
इस सवाल के जवाब में ये सारी गुफ्तगू हुई कि इस दुआ को पढ़ लिया जाए। अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान में इस दुआ को पढ़ा जाए। तो अरबी में पढ़ लें या उर्दू में इसका तर्जुमा पढ़ने काफ़ी है। का आप अलग से इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए और पढ़ करके इसको समझते रहिए। लेकिन जब आप उर्दू पढ़ेंगे तो ये आपका कलाम है, अरबी पढ़ेंगे तो ये कलाम मासूम है। जब आप अरबी में दुआओं को पढ़ेंगे, अरबी में कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तो उससे आपका जिस्म भी मुअत्तर होगा और आपकी रूह भी मुनव्वर होगी और फिजा भी मुनव्वर होगी। और इन जुमलात के असर हैं, वो असर भी आपके ऊपर होगा, सामईन के ऊपर होगा, जिस जगह के ऊपर पढ़ेंगे वहाँ के ऊपर होगा। इंसान अपने घरों में पढ़े, इंसान मस्जिदों में पढ़े, इंसान मसलन अपनी दुकान के ऊपर पढ़े, जहाँ भी पढ़ेगा इन जुमलों की और इन अल्फाज की बरकत होगी, इन दुआओं की बरकत होगी। इसी सबब से इंसान को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो इमाम बारगाहों में, दरगाहों में और किसी ख़ास जगह के ऊपर मजलिसें कराता है, दुआओं के प्रोग्राम कराता है, तो वो अपने घर में भी प्रोग्राम करे, वो अपने घर में भी दुआओं का एहतमाम करे, ताकि उसके घर में जो मनफी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि शयातीन यानी बुरे जिन, इनको दफा करने के लिए, इनसे शर से बचने के लिए, बरकतों के नुजूल के लिए, मलाइका के लिए, इन अजीम हस्तियों के वजूद के लिए, हम अपने घरों में भी मजलिसों का, महफिलों का, अहले बैत थार अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू का, उनके फजाइल, उनके मसाइब और ये दुआएं, इन सारी चीज़ों का एहतमाम करें, ताकि हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें रहें। और फिर इस माशरे में जिस बच्चे की तरबियत होगी, इंशाअल्लाह वो बच्चा और वो पलने वाला और बढ़ने वाला तरबियत याफ्ता समाज कभी भी कोई ऐसा कलम नहीं चलाएगा, ऐसी जबान नहीं खोलेगा, ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगा जिससे अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की तौहीन हो या मनकसत हो। क्योंकि अगर हमारे घर में ये नहीं है और उसके खिलाफ गाना है, टीवी है, यूट्यूब है और उस पर मौजूद उल्टी सीधी सारी चीज़ें हैं, तो बहरहाल उसका असर घर में रहने वाले चीज़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और लोगों के ऊपर होगा, हम इसे महसूस करें या ना महसूस करें। तो अपने घरों के ऊपर एहतमाम करें। और ये भी कोशिश होनी चाहिए कि ये ना हो कि खाना पूरी हो जाए कि हमें मजलिस करानी है और हमने किसी को भी बुला लिया, ना, हम उसको बुलाएंगे दीन के लिए, चाहे हमें नमाज सीखना हो, चाहे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को समझना हो, उसको बुलाएंगे जिसके पास अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत हो, जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरोज शरीफ को जानता हो, पहचानता हो, समझता हो, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक वही हमें बता पाएगा। तो बहरहाल बेहतर यही है कि हम दुआओं को अरबी में पढ़ें। अरबी का एक अपना असर है, उसका एक अलग सवाब है, उसका एक मकाम है। हाँ, उर्दू में पढ़ें, उसके तर्जुमे को देख लें, पहले से देख लें, समझ लें कि क्या है, कैसे है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मसावी कतान नहीं हो सकती। तो ये दुआ इफ्तिताह तीन हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, तीन हिस्से हैं इस दुआ इफ्तिताह में। पहला हिस्सा परवरदगार आलम की हम्द, सना, उसकी मदह, उसकी तमजीद के ऊपर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलामो सलावात का है। और तीसरा मरहला बराहे रास्त हमारे और आपके ज़माने के इमाम सरकार हुज्जत इब्न हसन अज्जलल्लाहु ताला फरोजहु शरीफ से मुर्तबित और मुताल्लिक है। अगर हम चीज़ों को अलग अलग करके देखें, और यहीं से सारी गलती होती है, हम ये कहें कि पहले हिस्से में तौहीद है, पहले हिस्से में हमदे परवरदगार है, पहले हिस्से में सनाए परवरदगार है, इसका अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, तौहीद है पहले हिस्से में। फिर हम ये कहते हैं कि दूसरे हिस्से में मसलन इमामत है और इसका डायरेक्ट और बग़ैर किसी वास्ते के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरोज शरीफ से रब्त नहीं है मसलन। और तीसरे मरहले में हम ये कहें कि हाँ, इसका ताल्लुक बराए रास्त इमाम से है, तो ये गलत होगा। और यही गलत होता है जब इंसान के नज़रियात और उसकी फ़िक्र तजज़ीई हों। तजज़ीई हों क्या मतलब? यानी वो चीज़ों को अलग अलग करके देखे
और जाहिर सी बात है जिस चीज़ को परवरदिगार आलम ने एक बनाया हो तो वो दुरुस्त उसी वक्त समझ में आएगी जब उसको उसी तरह से एक देखा जाए। और अगर हम सारी चीज़ों को अलग अलग करें और ऐसा अलग कर दें कि आपस में कोई रब्त और इर्तबात नज़र ना आए तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमें गलत समझ में आएगी। अब उसके ज़रिए से जो हम समझेंगे और समझाएंगे लोगों को गलत समझाएंगे। हमेशा ये अर्ज़ किया कि जितनी चीज़ें सब इमाम से मुर्तबित हैं, अगर हम पहले हिस्से को देखें तो शायद कोई ये कह दे कि इसमें तौहीद की बात हो रही है, इसमें अदल परवरदगार की बात हो रही है, इसमें इंसाफ से परवरदगार की बात हो रही है, इसमें परवरदगार आलम के वजूद की गुफ्तगू हो रही है और इस हमद व सना से कोई ताल्लुक़ ज़ाहिरन अहले बैत अलैहिस्सलाम का नहीं तो गलत होगा। और दुरुस्त यही है कि ये तीनों मरहले में हमारे ज़माने के इमाम मौजूद हैं और अहले बैत थार अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जब ये दुआ इफ्तिताह शुरू होती है इसके इब्तिदा के जुमले हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततहु सना के बारे अल्लाह मैं तेरी सना को शुरू कर रहा हूँ, बारे अल्लाह तेरी हमद कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततहु सना बेहमदिक, तेरी हमद से मैं तेरी सना कर रहा हूँ, तेरी तारीफ से तेरी सना कर रहा हूँ, मसलन यानी तेरे अता किए हुए कलेमात के ज़रिए से, तेरे बताए हुए ज़रिए से। यानी आप ये याद रखें कि हम अहले बैत थार अलैहिस्सलाम की मदह सना अपनी फ़िक्र से नहीं कर सकते, अपने दिमाग से नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती। तो उसका बेहतरीन और दुरुस्त तरीक़ा ये है कि जैसे परवरदिगार आलम ने बयान किया है, जैसे अंबिया मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, जैसे आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, वैसे ही हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदहोसना करें और जो ज़ाबता और कायदा और कानून और तरीक़ा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया है हम उसी तरह से परवरदगार आलम की हमदोसना करें। इसके अलावा अगर करते हैं तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त नहीं है, चूँकि हमें पता नहीं है, हमें ख़बर नहीं है कि हमें कैसे उस खुदा की तारीफ़ करनी है। तो अगर आप इस सिलसिले में भी देखें कि जो कि पहला सिलसिला इस दुआ का पहला मरहला है जो परवरदगार आलम की हमद के ऊपर, उसकी सना के ऊपर, तमजीद के ऊपर है, तो ये भी मसला और मरहला बिल्कुल अहले बैत थार अलैहिस्सलाम से मुर्तबित है। किताब काफ़ी शरीफ में इस मसले की वजाहत के लिए कई हदीसें मौजूद हैं जिसमें से एक अजीम हदीस को बयान कर रहे हैं जिसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि हम ही वो हैं जिनसे परवरदगार आलम की तस्बीह मुमकिन है, हम ही परवरदगार आलम की वो मखलूक हैं। इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह खलकना फअहसना खलकना वसव्वरना फअहसना सुअरना औ सूरतना, परवरदगार आलम ने हमें बनाया और अहसन तरीक़े से बनाया, परवरदगार आलम ने हमारी शक्लों को बनाया, हमारी सूरत को बनाया और बेहतरीन अंदाज में हमारी सूरत को बनाया है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देखो हम ही परवरदगार आलम की वो मखलूक हैं कि जालहू खुज़ानहू या जालनल्लाहु खुज़ानहू फ़ी समाएही व अर्ज़ह, परवरदगार आलम ने अपनी ज़मीन और आसमान पे हमको अपना खुज़ान और खाजिन बनाया है। इंशाअल्लाह आइंदा की किस्तों में इसकी मज़ीद वजाहत की कोशिश की जाएगी कि परवरदगार आलम ने हमें अपना खुज़ान बनाया है। वलना नतकति शजरा, और दरख्त ने अगर कलाम किया है तो वो हमारे ज़रिए से किया है, वो हमारे लिए किया है, वो हमारे वसीले से किया है। अब वो चाहे करीमुल्लाह की गुफ्तगू हो, जनाब मूसा अला नबीना व आलि व अलैहि सलाम की गुफ्तगू हो, या किसी की भी गुफ्तगू हो, किसी से भी परवरदगार आलम ने कलाम किया हो, अहले बैत थार अलैहिस्सलाम के लहजे में गुफ्तगू किया है। उसके बाद फरमाते हैं वबे इबादतना उबिदल्लाह, कि हमारी इबादत से
परवरदगार आलम की इबादत हुई है, यानी अगर हम इबादत ना करते तो खुदा की इबादत ना होती। वल्लौलाना मा उबिदल्लाह, और अगर हम ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती। यानी हमने तस्बीह किया तो ये शऊर पैदा हुआ कि अल्लाह की तस्बीह की जाए, और कैसे तस्बीह की जाए, किस तरह से किया जाए, ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने सलीका अता किया है। हमारा वक्त यहाँ के ऊपर ख़त्म होता है, आइंदा की किस्त में इंशाअल्लाह मज़ीद वजाहत की कोशिश की जाएगी। हम आप हज़रात से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।